वैसे कुछ करके दिखाने का समय तो कोई भी नहीं होता है, बट आप अगर सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है और आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप को स्टार्ट करने का या फिर मोबाइल फ़ोन सेल सर्विस शॉप को अगर स्टार्ट करने का सही एज क्या है, कितना एज में अगर हम मोबाइल फ़ोन शॉप को अगर स्टार्ट करें तो हम जो है सक्सेस पा सकते हैं या फिर अच्छा हमारा शॉप जो है ग्रो हो सकता है, वो सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। तो मेक श्योर आप एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आगे आप लोगों को कुछ और बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अगर किसी मोबाइल शॉप में जाते हो, वहां पे एक बूढ़ा बैठा होता है या फिर एक बहुत ज़्यादा एज होने वाला कोई लड़का बैठा होता है वहां पे, और आप वहां पे जाके कंफर्टेबली सारी चीज़ें जो है पूछ के अच्छी तरीके से वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन पा के आप आ सकते हो, या फिर आप अगर किसी मोबाइल शॉप में जाओगे वहां पे मेरे जैसा या फिर मुझसे कम उम्र का या फिर मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का यानी 20-25-30 साल का कोई लड़का वहां पे है और वहां से ज़्यादा आप अच्छा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, या फिर जो पहले बूढ़ा जो बैठा था वहां से आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हो, आप खुद ही मुझे कमेंट में बताइए। यहां पे एज कोई मायने नहीं रखता बिजनेस को स्टार्ट करने में, बट फिर भी आप अगर बोलना चाहते हो, आप अगर एज में सही टाइम पे अगर स्टार्ट करना चाहते हो मोबाइल फोन शॉप, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि 20-30 एज के बीच में आप अगर कोई भी मोबाइल शॉप को स्टार्ट करोगे और आप वहां पे जाके बैठोगे ना, तो आपका जो धंधा है आपका जो शॉप है जो है थोड़ा सा अच्छा ग्रो करेगा। आप अगर 50 या फिर 60 या फिर 40-45 उम्र में आप अगर कोई भी मोबाइल शॉप को स्टार्ट करोगे तो वो जो बिजनेस है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा जितना कि जो न्यू लड़का यानी न्यू उम्र का यानी जवान हुआ लड़का वहाँ पे बैठेगा तो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। कैसे वो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो उम्र होता है 20-30 साल का जो उम्र होता है ना, वहाँ पे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नए चीज़ सीख सकते हैं और लोगों को अच्छी तरीके से सिखा भी सकते हैं। बट जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा हमारा जो अगर एज हो गया तो हम लोग जो है फैमिली में या फिर जो अदर कोई टेंशन में हम अगर घुस जाएंगे और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंट हम करें भी तो किसी को बताना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होगा या फिर हमें जो हम जो है उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे अपने काम में। और एक बात कि यहाँ पे कस्टमर लोग जो भी होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर एक्सपर्ट बंदा कोई है, अगर टेक्निकली पर्सन अगर कोई मोबाइल फ़ोन दुकान पर बैठा है जो कि आपको मोबाइल फ़ोन का स्पेसिफिकेशन फटाफट कर बता देता है या फिर मोबाइल फ़ोन में कोई भी सेटिंग अगर बिगड़ गया है तो वहाँ पे वो फटाफट करके देता है, तो ऐसे दुकान में जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा जाने लग जाते हैं। यहाँ पे आप अगर मेरे उम्र के हो 20-25 साल के या फिर 30 साल तक भी हो और आप अगर शॉप को स्टार्ट करोगे तो आपको कोई देख के ये नहीं बोलेगा कि इस आदमी को जो है कुछ नहीं पता होगा, इस लड़के को कुछ भी नहीं पता होगा। वो लोग सोचेंगे कि ये तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होगा ही, तभी जाके तो मोबाइल फ़ोन जो है रिपेयरिंग शॉप डाला है, और आपसे लोग जो है ट्रस्ट करेंगे, आपसे सारी बातें जो है शेयर कर पाएंगे, सारी बातें आपसे पूछ के नई इन्फॉर्मेशन जो है पा सकेंगे। ये एक्चुअली कस्टमर का व्यू जो है मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरीके से आप अगर 20-30 साल के उम्र के अंदर में आप अगर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो मोबाइल फोन रिपेयरिंग का, तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो डेफिनेटली ग्रो होगा। गाइस उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि यहां पे कितने साल की उम्र में अगर हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग शॉप को स्टार्ट करें तो अच्छा ग्रो होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।